उसके फ्लावर के एंथर को टैप कर देना है स्लाइड पे, जैसे कि ये हमने एक स्लाइड ली हुई है, स्लाइड पे हम थोड़ा सा वाटर लेंगे और वाटर के ऊपर हम उसके एंथर को थोड़ा सा टैप कर देंगे। फिर इसके बाद आप इसको जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा बहुत सारा राउंड राउंड शेप में पॉलन ग्रेन वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद कुछ शुगर का कुछ क्रिस्टल लेना है, और शुगर क्रिस्टल को आप वाटर पे डालेंगे, और शुगर के क्रिस्टल को वाटर पे डाल के फिर से आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। और ध्यान रखना है कि जो आपका वाटर है उसके स्लाइड के ऊपर का वो सूखना नहीं चाहिए, मतलब कि ड्राई नहीं होना चाहिए। फिर बाद देखिए पोलन ग्रेन को जैसे ही आप डालेंगे स्लाइड के ऊपर, इस तरह से आपको छोटे 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 पूरे पोलन ग्रेन आपको दिखाई देंगे, मतलब कि ये जो आपका पार्ट है जहाँ से हम उस सारे एंथर को स्लाइड पे गिरा रहे हैं उसको यहाँ पे एंड्रोस्टियम कहा जाता है। और उसको आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पोलन ग्रेन एक्चुअली ऐसा होता है, इस तरह का होता है आपका पोलन ग्रेन, और इसके जो ये छोटे छोटे टेल जैसे निकले होते हैं उसको हम यहाँ पे पोलन ट्यूब कहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो लॉन्ग थिन ट्यूब होता है पोलन ग्रेन का जो निकला हुआ होता है उसको हम पोलन ट्यूब कहेंगे। पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन के स्टिग्मा में पहुंचने के बाद। ये जो फ्लावर है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इम्पोर्टेंट है। देखिए इस फ्लावर में ये आपका पूरा फ्लावर का ड्रॉ दिया है, जो सबसे अपर पार्ट होता है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको पोलन ग्रेन कहते हैं। उसके बाद उसका जो ये उसको और इस पूरे पार्ट को एंथर कहेंगे। यहाँ पे जो इस तरह से एक लगा हुआ है उसको स्टाइल कहेंगे। ये वाला एरिया आपका स्टिग्मा हो जाएगा, ये आपका स्टाइल हो गया, ये आपका पोलन ट्यूब जिसके थ्रू सारे पोलन ग्रेन नीचे आते हैं। उसके अलावा ये आपका ओवरी हो गया और ओव्यूल हो गया, ठीक है। ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेल गैमेट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जब ओवरी पे पोलन ग्रेन जाते हैं आफ्टर रीचिंग द ओवरी द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। पोलन ट्यूब के थ्रू होते होते ओव्यूल जो है वो ओवरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, मतलब कि मेल और फीमेल की जो गैमेट होते हैं वो दोनों मिल करके मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल जो लिखा हुआ है, ये आपका ओव्यूल जो है वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है तो उसी के बाद से वहां पे सीड बनता है, और सीड के बाद वो आपका जो सीड है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और फ्रूट से वो डायरेक्ट आपका न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो उस टाइप के प्रोसेस से आपका जो है एक प्लांट से दूसरा प्लांट जनरेट होता है, जिसको हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो क्या सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सीड को अराइज करते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी न्यू प्लांट को देखा है एक सीड की हेल्प से न्यू प्लांट को निकलते हुए? तो बाद यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में कहा गया है कि गार्लिक, याम, ब्रायोफिल्लम, स्वीट पोटैटो और रोज, इन सबको बताना है कि किस तरह से न्यू प्लांट अराइज होता है। मटेरियल सॉरी एक्टिविटी नंबर 5, इस एक्टिविटी में आपको पोटैटो लेना है और रेजर ब्लेड लेना है। उसको कट करने के लिए 2 प्लास्टिक के बैग लगेंगे, सॉइल और वाटर लगेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, पोटैटो को कट करना है, छोटे छोटे पार्ट में कट कर देंगे। उसके बाद उसके जो पीसेस होते हैं एक को हम अपने आई के पास रखेंगे देखने के लिए, और एक आपको अपने आई से दूर रखना है, मतलब उसमें हम नहीं देखेंगे। उसके बाद 2 प्लास्टिक के बैग लेते हैं, उनमें हम सॉइल को डालेंगे और एक पीस जो है पोटैटो का तो बैग में डाल देंगे, और उसको फिर से ऊपर से सॉइल से कवर करके उसको थोड़ा सा हम लोग वाटर डाल देते हैं, ताकि वो आपका जो पानी है वो गीला हो जाए। और उसको रोज आपको ऑब्जर्व करना है उस सेटअप को। तो 4 से 5 दिन के बाद आप उसको देखेंगे
वहां पे जो हमने पोटैटो के पीस के साथ और सॉइल को मिक्स करके रखा था वहां पे क्या होता है, तो वहां पे जो पोटैटो का पीस है उसके किस पार्ट से न्यू प्लांट अराइज होता है, ठीक है, जिसको हमने अपने आई के पास में रखा था और दूसरा जो आई के पास में नहीं रखा था। तो एक्चुअली जो पोटैटो होता है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है एंड द आई आर द नोड, मतलब कि उसके जो छोटे छोटे आईज बने होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ये जो आप देखेंगे कुछ आलू ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटा छोटा कुछ व्हाइट कलर का सबसे निकलने लगता है एक टाइम पे, ठीक है, और एक आलू जिसकी इशारे से नहीं होता है, ठीक है, वो एक टाइम पे ही ऐसा होता है। तो इस टाइप के आलू को जैसे ही आप लगाएंगे मिट्टी के साथ में, यहाँ पे न्यू प्लांट आपका निकलेगा, और इस टाइप के आलू को अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे न्यू प्लांट निकलेगा। तो ये जो पोटैटो होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसमें की कोई भी लीव्स नहीं होते हैं उसके तरफ से, बट इसके छोटे छोटे बड्स बने होते हैं इस तरह से गोल गोल, जिसको हम आई इंटेक्ट कहते हैं। तो इसके लिए आपको फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए कि किस कंडीशन में, कितने टेम्परेचर में, कितने नमी में, हवा में ही न्यू प्लांट आपका अराइज हो सकता है। हर कंडीशन पे आपका पोटैटो जो है वो ग्रो नहीं करता। यहाँ पे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है प्लांट का, शुगर केन, शुगर केन को आप देखेंगे यहाँ बीच बीच में गांठ जैसा बना होता है, ठीक है, नोड जैसा बना होता है, और ये जो है आपका निकला निकला ये रूट वाला एरिया होता है। वैसे ही रोज स्टेम ऑफ रोज, ये जो आपका रोज प्लांट है इससे नया प्लांट कब बनेगा, जब आप इसके स्टेम को कट करके आप उसको कहीं पर लगाएंगे तो सिर्फ स्टेम की हेल्प से ही आपका न्यू प्लांट अराइज होता है। आगे देखिए यहाँ पर गार्लिक का फोटो दिया हुआ है, गार्लिक का, पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का, और ये आपका ब्रायोफिलम की पत्ती का, ठीक है। तो हर जगह पे जो उसका ग्रो करने वाला या उसका न्यू प्लांट निकलने वाला जो एरिया होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि पोटैटो में देखेंगे आपको छोटे छोटे बड्स बने होते हैं, गार्लिक जो है एक गार्लिक के हिसाब से दूसरा गार्लिक निकलेगा, फिर पोटैटो में भी इस तरह से रेशे टाइप के निकले हुए, और प्लांट में भी इस टाइप से प्लांट लेटर निकला हुआ है। तो ये सारे जो होते हैं जैसे कि सिर्फ एक आलू की हेल्प से दूसरा आलू आपका ग्रो कर सकता है, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे और कोई भी पार्ट जो है वो पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ यहाँ पर एक टाइप के ही ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट निकल जा रहा है। तो जैसे कि फ्लावर में हमने देखा वहाँ पे आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की रिक्वायरमेंट थी, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया, बट यहाँ पे जो आपका प्लांट है वहाँ पे जो आपका आलू का प्लांट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आलू के प्लांट की ही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आलू की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसके अलावा वहाँ पे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो जहाँ पे सिंगल चीज की हेल्प से दूसरा प्लांट निकल सकता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बिना ही, मेल और फीमेल गैमेट के बिना ही आप रिप्रोड्यूस करते हैं। के बाद हाँ यहाँ पे देखिए कि इस मेथड में जो आपका प्लांट है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में फट से जल्दी से ग्रो कर लेता है। उस टाइप के रिप्रोडक्शन में जहाँ पे इस टाइप के रिप्रोडक्शन तो सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हो गया प्लांट का रिप्रोडक्शन। आप देखिए एनिमल का रिप्रोडक्शन, हमने देखा होगा कि जो अर्थ वॉर्म होते हैं वो सिर्फ बारिश के टाइम में ही वो बाहर आते हैं। वैसे ही जैसे कि वाटर जो तालाब में भरा होता है, पानी जो भरा होता है, वहां पर देखेंगे बहुत सारे मेंढक, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मछलियां, या बहुत सारे टाइप के प्लांट वहां पर ग्रो करते हैं। तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, एक्टिविटी नंबर 6 देखिए। जो हमने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉक्स लिया है ए एंड बी, फ्रेश काउ डंग लेंगे और उसको पेपर लेंगे कवर करने के लिए, रबड़ का बैंड लेंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं ताकि फॉर्म कवर कर सके। द
सबसे पहले फ्रेश काऊ के डंग को हम वॉक कर देंगे, इसे फिल करना है और करना है कि वहां पर कोई भी इंसेक्ट उस पर आकर के ना बैठ सके। और दूसरा आप बिल्ली वाला काऊ डंग है उसको आपको खुला छोड़ देना है, वहां पे इंफेक्शन बैठ सके। दोनों बॉक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे 2 या 3 दिन तक, तो आप देखिए कि बॉक्स बिल्ली वाला काऊ के वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट वहां पे आ गए हैं, आ करके वहां पे बैठ गए हैं, इंसेक्ट वहां पे लार्वा डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अदर हैंड पे हम देखें कि जो फर्स्ट वाला बॉक्स था यहाँ पे कोई भी लार्वा नहीं आता काउ डंग पे, पर सेकंड वाले में आ जाते हैं। तो आपको इस समझने की जरूरत है किस तरह से इस बॉक्स में काउ डंग में कीड़े मकोड़े नहीं आया बट ये वाले बॉक्स में आ गए, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा कि इस बॉक्स को जिसको हमने खुला छोड़ा हुआ सॉरी ढका हुआ था, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आके बैठता है और यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठ सकता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में क्या होता है, जैसे कि प्लांट हो गया एनिमल हो गया, वहाँ पे मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इनको देखें, इन कीड़े मकोड़े को देखें जो यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल जिसमें होते हैं उसको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। तो बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल कहेंगे, जैसे कि आपका हो गया मैन हो गया या काऊ हो गया। तो अगर वो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गेन अगर एक इंडिविजुअल प्लांट में इंडिविजुअल एनिमल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म या लीफ एग्जाम्पल है आपका, अर्थवॉर्म और लीफ दोनों में दोनों ही बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं क्योंकि उनमें दोनों टाइप के ऑर्गेन पाए जाते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और डिफ्रेंशिएट करें, जैसे कि काऊ हो गया या फिर बुल हो गया, गाय या बैल को अगर देखिए, जैसे कि बकरी हो गया या बकरा हो गया, मुर्गी हो गया या मुर्गा हो गया, इसमें अलग अलग टाइप के मेल गैमेट पाएंगे और अलग अलग टाइप के फीमेल गैमेट पाए जाएंगे, बिकॉज उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर वो जो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो जेंडर है वो अलग अलग है, इस कारण से वो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि काऊ कैसा दिखता है बुल कैसा दिखता है, बकरी कैसे दिखती है या बकरा कैसा दिखता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिजार्ड इंसेक्ट उसको हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको हमने इनके मेल गैमेट को या फिर फीमेल गैमेट को नहीं ऑब्जर्व किया हुआ होता, उनका जो बिहेवियर होता है बिहेवियर के बेसिस पर ही हम उनको सिर्फ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए कि जैसे कि हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एनिमल्स में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं और उसको देखते हुए ही हम वहाँ पे बता सकते हैं कि वो जो आपका एनिमल है वो अपने जैसे दूसरे यंग वंस को बर्थ कर सकता है, जिसको जैसे कि ह्यूमन हो गया या फिर गाय हो गई, ठीक है। ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाय इंसान या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अपने जैसे दूसरे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है मेल का उसको यहाँ पे टेस्टिस कहा जाता है और उस ऑर्गेन में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे मेल गैमेट कहेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से जो आपका मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वहां पे जो स्पर्म है वो रिप्रोड्यूस होता है। इसके बाद देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में आपको पता अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो होता है वो ओवरी होता है और ओवरी पे एग या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पर्म की बात करें और यहाँ पे एग की बात करें तो ये जो है वो काफी स्मॉलर देन होता है एज कम्पेयर टू एग के, बिकॉज एग जो होता है वो राउंड शेप में होता है। तो जब ओवरी पे एग आता है, ठीक है, एग जब वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब के होते होते, ठीक है, उस जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वहां पे जो फेलोपियन ट्यूब होता है उस ट्यूब की हेल्प से जो एग होते हैं वो एंटर करते हैं और ओवरी में जाकर के ओविडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे फिर आपका अगर ये जो आपका ये मेल गैमेट वाला पार्ट है वो वहां पे जाकर के अगर मिक्स होता है तो वो दोनों वहां पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। मतलब ये पार्ट अगर इस पार्ट के पास जाएगा तो वो दोनों जो है वो
फ्यूज हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म की मेजोरिटी होने के कारण जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैन में या ह्यूमन बींग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी में इंटरनली होता है। तो आपने जैसे छिपकली को देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा कि वो किस तरह से एग देते हैं, तो वो जो एग होता है वो फर्टिलाइज एग होता है। यहाँ पे आपको जो ड्रॉ दिया हुआ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दिया हुआ ह्यूमन का, यहाँ पे एग और स्पर्म दोनों ही फ्यूज होते हैं और दोनों मिक्स होकर के जायगोट बनाते हैं। देन जायगोट बनने के बाद में सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन जब हो जाता है तो उसके बाद में एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय के बाद में जो आपका ये बॉडी है वो पूरा बॉडी पर डेवलप होकर के ह्यूमन बनता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एक्वाटिक एनिमल में भी होता है, जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। इसके अलावा फीमेल जो फ्रॉग होते हैं वो वाटर में अपने अंडे देते हैं और मेल जो है वो वाटर में ही अपने स्पर्म को ड्रॉप कर देते हैं। तो वहीं के वाटर के ऊपर ही वहां पे आपका वाटर के ऊपर में ही फ्रॉग के मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके बॉडी के बाहर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है, बहुत सारे सेल वहाँ पे डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद में एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय के बाद धीरे 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 वो आपका एक यंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। तो मैमल्स में यंग वंस जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर पे डेवलप होते हैं और वो अपने ही जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं या फिर बॉन्ड करते हैं। इस टाइप के एनिमल्स को विवी पारस एनिमल कहा जाएगा। और जो फिश, फ्रॉग, स्नेक या बर्ड्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल कहेंगे। तो जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो भी अपने जैसे दूसरे यंग वंस को बॉन्ड करते हैं और विविपोरस एनिमल्स भी अपने जैसे दूसरे यंग वंस को बॉन्ड करते हैं। तो जो यंग एनिमल्स होते हैं उनके जो एग होता है, जो एग उनकी बॉडी से जब बाहर आता है तो उस एग को हम यहाँ पे लार्वा कहेंगे। लार्वा जो होता है वो लार्वा बनने के बाद में प्यूपा बनता है और प्यूपा बनने के बाद में फिर वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, जैसे कि मॉस्किटो में होता है या फ्लाइज में होता है। आपने सुना होगा कि बारिश के मौसम में जो कूलर में हम पानी इकट्ठा करके अगर पानी इकट्ठा अगर रह गया तो कूलर के वाटर पे जो मॉस्किटो होते हैं वो लार्वा को वहां पे डेवलप कर देते हैं। तो वो जो लार्वा होता है पहले वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा के बाद वो जाकर के फिर से मॉस्किटो बन जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर ओविपोरस और फाइव विविपोरस एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। और आगे देखते हैं कि अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा प्लांट के बारे में, जहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट के कुछ पार्ट से ही डेवलप हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होकर के और इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन या डिवीजन का प्रोसेस कहते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म से डिवाइड होकर के बहुत सारे पार्ट में डेवलप होता है तो उसको यहाँ पे सेल बाइनरी फ्यूजन कहा जाएगा। और अगर किसी इंसेक्ट का जो कि बाइनरी फ्यूजन या फिर सेल डिवीजन के प्रोसेस पे बेस्ड है, अगर उसे एनिमल का या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली किसी रीजन से डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट में, तो फिर से उस बॉडी पार्ट के पास में नया वहां पे उसका बॉडी पार्ट रीजनरेट होता है। जैसे कि छिपकली को आपने देखा होगा कि उसकी जो पूछ होती है अगर वो किसी रीजन से कट जाती है तो वो फिर से वहां पे डेवलप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे रीजनरेशन कहा जाएगा, जहाँ पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट जब अगर डिवाइड हो गया तो दोबारा से वो फिर से जनरेट हो जाता है। और जैसे कि हम देखें हाइड्रा हो गया, कुछ फेवरेबल कंडीशन में ये छोटे छोटे बर्ड को अपनी बॉडी में ग्रो करता है, ठीक है, और वो जो बर्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे
डेवलप होते हैं, और डेवलप होते हैं तो सारे बर्ड्स वहां पे डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होकर के एक न्यू इंडिविजुअल वहां पे हाइड्रा आपका बन जाता है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होगा सेंटर पार्ट से और अलग होते होते वो फिर एक न्यू वहां पे आपका हाइड्रा बनता है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट निकले हैं, इसको हम बड कहेंगे। ये आपका बाइनरी फ्यूजन होगा, जैसे कि अमीबा पहले वो थोड़ा सा फैलता है, फैलने के बाद में टू पार्ट में वो डिवाइड होने के लिए ट्राई करता है, एंड लास्ट में टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से सारे जो प्लांट्स होते हैं वो खुद को अपने बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। आया समझ में? यस मैम, यस मैम, यस मैम। क्वेश्चन पूछती हूँ मैं व्हाट्सएप में।